नीमच शहर में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो शातिर चोर केन पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। शातिर चोरों ने न्यायालय के मालखाने सहित अन्य चार चोरियां कबूली। नीमच केन पुलिस ने दो शातिर नकबजन दो चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों चोरों ने अक्टूबर से दिसंबर 3 माह में हुई चोरियों को करना कबूला है, जिसमें नीमच न्यायालय के मालखाना, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन की पाठ दुकान, चाय पत्ती की दुकान में सेंधमारी कर चोरी करने व कनावटी में अन्य एक चोरी करना कबूला है, जिसमें केन पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस आरोपियों से अन्य चोरी के बारे में भी बारीकी से पूछताछ कर रही है। वहीं फिलहाल शादी समारोह में बड़ी चोरी करने वाले आरोपी फिलहाल नीमच केन पुलिस की पहुंच से दूर है। ये पिछले दिनों से लगातार यहाँ पर चोरियों की घटनाएं घटित हो रही थी। न्यायालय परिसर में भी चोरों द्वारा ताला काटकर और चार बैटरियां और शराब की पेटियां चोरी की गई थी, और तभी से वरिष्ठ अधिकारी गणों द्वारा निर्देशित किया गया था और हमारे यहाँ एक टीम बनाई गई थी चोरों को पकड़ने के लिए, और हमारे थाने की टीम को सफलता मिली और कल दो शातिर नकबजन थाना केएनटी की टीम ने पकड़े हैं, जिसमें एक का नाम बंटी उर्फ हंसराज है और दूसरा उदय उर्फ उदा है जो जिन समाज का है, और इन दोनों के द्वारा ही लगातार यहाँ चोरियाँ की जा रही थी और अभी तक इनसे चार नकबजनी की घटनाएँ खुल चुकी हैं और अभी इनका पीआर लेके इनसे और पूछताछ की जा रही है। न्यायालय में जो चोरी करी थी वो चोरी का खुलासा हुआ है, एक ट्रैक्टर शोरूम में जो चोरी हुई थी उसका खुलासा हुआ है, एक पवन टी कंपनी में यहाँ पर चोरी हुई थी उसका खुलासा हुआ है, कनावटी में एक चोरी हुई थी उसका खुलासा हुआ है, और ऑटो पार्ट्स की दुकान में भी इनके द्वारा चोरी करना बताया गया। वॉइस ऑफ एमपी के लिए नीमच से दीपक खताविया की रिपोर्ट।